आज जो दरभंगा मिथिलांचल के लिए उपलब्धि है 50,000 मीट्रिक टन जो भंडारण की क्षमता है, उसका विधिवत उद्घाटन मंत्री अश्विनी चौबे जी के द्वारा किया गया। हमारे साथ अनंत कुमार हैं जो उप महाप्रबंधक हैं। ये एक किस कब से काम इसका प्रारंभ किया गया था और इसके पीछे कितना समस्या उठी थी, जब जमीन का नहीं हो रहा था तो फिर क्यों? इस 2016 में सरकार ने ये साइंटिफिक स्टोरेज के लिए पूरे देश में 100,00,000 एमटी की साइलो की परियोजना लाई, जिसमें से बिहार में 11,00,000 का आया था। तो पहले चरण में हम यहाँ पे 2,00,000 का हुआ, एक अभी कटिहार में पहले से चल रहा, दूसरा ये आज से शुभारंभ हुआ है, ऐसे और अभी कल बक्सर में होना है और आने वाले दिन में और दो होंगे। तो 2,00,000 हमारा रेडी है, 2,00,000 रेडी है, बाकी 3,00,000 और कार्य चल रहे हैं। कुछ अभी टेंडर स्तर पे हैं और कुछ में अभी निर्माण स्तर पे चल रहा है। कितने अभी तक खरीदारी हुई है या कहाँ कहाँ के किसानों को इसके प्रति, क्योंकि जब तक आकर्षण नहीं होगा, लोगों के बीच मैसेज नहीं जाएगा, तब तक वो यहाँ पर बेचने नहीं आएंगे। ये चूंकि ये भंडारण के लिए है, ये खरीद तो उसके साथ में ही है, भंडारण यहाँ बिहार में चूंकि कंज्यूमिंग रीजन है, यहाँ वो अनाज उतना नहीं आता जितनी यहाँ आवश्यकता है, तो ये हम बाहर से लाके यहाँ पे स्टोर करेंगे और साथ के साथ यहाँ पे जो उपज आएगी, प्रोक्योरमेंट होगी, वो एडिशनल है, वो रखेंगे। ये मेनली ये बाहर से अनाज, पंजाब से, हरियाणा से ये अनाज आएगी, गेहूँ आएगी, यहाँ गेहूँ के लिए है, गेहूँ आएगी और यहाँ रखी जाएगी और फिर इसमें पीडीएस में इशू होगा। यहाँ जो आप खरीदेंगे बाहर से उसको रखेंगे, या अगर कोई रखना चाहता है तो उसका कोई कॉस्ट दिया जाएगा, उस पर आप रख सकते हैं एक साल के लिए? नहीं, ये हमारी खरीद की, सरकारी खरीद की गेहूं यहाँ रखी जाएगी। तो किसी मतलब सरकार जो खरीदती है ना, प्रोक्योर करती है जो पीडीएस में या अन्य स्कीम में लाभकारी योजनाओं में बांटने के लिए, उसके लिए सरकारी रखने रखाव के लिए है ये। यहाँ से फिर कहाँ उसको भेजा जाएगा? और ये लोकल इशू के लिए है, ये दरभंगा के लिए हो गया, यहाँ से दरभंगा और मधुबनी में जो पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ से फिर आगे बटे। इनका रेलवे लाइन जिसे जोगियाला से जोड़ने की बात, किस तरह हुआ और कितना परेशानी हुई थी इसमें? ये रेल प्रखंड से जोड़ने की जो कंसेशनर, जब हम इसमें अवार्डिंग होती है तो अवार्ड में ही एक शर्त होता है, जो कंसेशनर है जैसे इस केस में अदानी है, उन्होंने ही अपनी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये पीपीपी मॉडल का है, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की है ये, तो उनकी दायित्व ही थी जो स्टील साइलो भी बनाना और रेल परियोजना में, और इसको रेल लाइन से इसको जोड़ने की भी उनकी ही थी। तो शुरुआत में कुछ कठिनाई आई थी जमीन से जुड़े हुए और सब परेशानियाँ आई थी, फिर धीरे धीरे करके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से उस सबको दूर किया गया और आज आपके सामने में ये आज से इसका उद्घाटन हो गया। अब ये अगले फसल में, रबी में जब प्रोक्योरमेंट होगी तो यहाँ रखना स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। अभी 15 मार्च से हमने खरीद शुरू की है, वो भी रखी जाएगी और 1 अप्रैल से जब प्रोक्योरमेंट होगा सारे देश में, तो फिर पंजाब हरियाणा से हम ला के यहाँ पर अनाज रखेंगे गेहूँ। कितने स्टाफ के रिक्रूटमेंट है और ये FCI के द्वारा संचालित है या फिर अडानी का भी मैनेजमेंट इसमें रहेगा? ये अडानी ही मैनेजमेंट रहेगी, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, अडानी की ही प्रॉपर्टी है, हम इसमें एक तरह से हम रेंट पे इसको लिया हुआ, हम अनाज रखेंगे, बाकी संचालन सारा अडानी के स्टाफ, सारे अडानी की होगी। और एक अंतिम सवाल ये कि यहाँ ये जो पूरी तरह इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसमें ये भी लगा कि जमीन जो लिया गया था उन लोगों के साथ डील पूरी नहीं हुई, अभी बहुत से बाकी हैं, बहुत लोगों को इसमें नहीं दिया गया है? ये हमारी जमीन जारी से जो हमने बताया कि अदानी ने सारे जमीन की, उनके पास पेपर्स हैं, सब खरीद की हुई है, वो लीगल पेपर डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, इवन कई बार इसमें CO और DCLR के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे तो उन्होंने जाँच किया और पाया कि अदानी ने खरीद कर रखी है, इसमें सारे कागजात अदानी के हैं, जो CO से भी और DCLR भी आए थे और उसमें ये हुआ कि अदानी ने के पास जमीन के सारे कागजात। आज उद्घाटन में कितना भंडारण हो चुका है जो आज प्रारंभ हुआ है तो, या फिर अभी होना है? अभी भंडारण हुआ नहीं, अभी तो लोड रन ही हुआ, अभी टेस्टिंग हुई थी, लोड रन हो गया, टेस्ट रन हो गया, अब ये तैयार है रखने के लिए। तो अप्रैल के बाद से, जब अप्रैल में प्रोक्योरमेंट होगी देश के बाकी हिस्सों में, तो वहाँ से हम, जहाँ एक्सेस सरप्लस होता है पंजाब हरियाणा, वहाँ से हम ला के यहाँ रखेंगे।
अच्छा, टेक्निकल बात बता दीजिए, जैसे कोई भंडारण हुआ उसके बाद वो किस साइकिल से जाएगा ताकि टेम्परेचर जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले पूरी, तो कैसे होगा फिर वो कैसे ट्रेन के वो मालगाड़ी में जाएगा फिर कैसे वो? नहीं, मालगाड़ी में टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे रखने में, यहाँ पे जो भी बिन्स है ना सब में टेम्परेचर के लिए सब में लगे हुए हैं, वो पूरे ही आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पैनल में उसमें पूरा जितने भी टेम्परेचर्स हैं वो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, सभी वहाँ दर्ज होता था। अगर कुछ कमी होती है ये होती है तो वहाँ पे उनके पास सिग्नल होते हैं, उसके लिए वो इन्फेस्टेशन अगर हो गई मतलब कीड़े वगैरह लग गए तो उसके लिए वो डिफरेंट प्रिजर्वेशंस के आयाम हैं उसको फॉलो करके उसको दूर करते हैं, पेस्ट फ्री करते हैं उसको। तो धन्यवाद, हम बता दें आनंद कुमार FCI उप महाप्रबंधक, हम बता दें कि बड़ी जिम्मेवारी थी, खासकर जितने विरोधाभास चल रहे थे पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा राज्यसभा और खासकर विधानसभा तक मुद्दे उठे हैं। ऐसे में 2024 चुनाव में जैसा कि अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि 2024 चुनाव में ये मुद्दा गर्म होगा क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगा और जे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि ये मोदी की उपलब्धि है, 50,000 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता यहाँ बना है और शीघ्र ही मिथिलांचल में एक जगह और बनने की उन्होंने घोषणा की है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।